हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे जरूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे से बनी खस्ता कचौड़ी। आलू खस्ता कचौड़ी है और ये बहुत ही खस्ता बनी है और बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी एकदम खस्ता बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये कि अगर एक बार आप बनाएंगे तो इसे बार बार बना के खाएँगे। तो चलिए मैं बताती हूँ ये कचौड़ी मैंने कैसे बनाया है और इसके लिए क्या क्या चाहिए। गेहूं के आटे का खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक डाला है और थोड़े से हमने यहाँ पे अजवाइन डाला है, तो और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। ऑयल हमको मोयन के लिए इतना डालना है कि एक अच्छा सा मोयन हो जाए इसके अंदर, क्योंकि हमें खस्ता कचौड़ी बनाना है, क्रिस्पी एकदम बनाना है कि बस मुंह में जाते ही एकदम घुल जाए कचौड़ी। तो बस उसके लिए हमें इस तरह का बनाना है, इतना मोयन होना चाहिए कि मुट्ठी बन जाए। तो यहाँ पे मैं मुट्ठी बना के दिखाती हूँ, देखिए मुट्ठी बन गई है। तो ये मोयन परफेक्ट है और इसके बाद हमने ये डो रेडी कर लिया है। और इसका डो हमें लूज़ रखना है क्योंकि हमें इसके अंदर भरना है और खस्ता कचौड़ी बनानी है, तो एकदम इस टाइप का लूज़ रखना है। अब इसे हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इधर फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉयल 6 आलू लिए हैं, उसके अंदर मैंने पिसा हुआ सौंफ डाला है, इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और धनिया 1 स्पून और रेड चिली मैंने डाला है, हाफ टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने भुना जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ ये, और मैंने यहाँ पे हींग ऐड किया है। तो इन मसालों को और स्वाद के अनुसार नमक, और इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो और यहाँ पे हम चॉप किए हुए कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी का यूज़ किया है। तो इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास धनिया नहीं हो तो आप कसूरी मेथी का यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत टेस्ट अच्छा आएगा उससे भी। तो चलिए अब मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो जो हमने डो लिया था उससे मैंने यहाँ पे ये लोई बना ले रही हूँ मैं। बॉल आप अपने हिसाब से अपने साइज कोई सा भी ले सकते हैं। मैं एकदम छोटे छोटे साइज़ में बनाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ सबको ऐसा ही पसंद है। इसका बड़ा साइज़ भी आप बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए इस तरह से मैं कर लूँगी। और जितना सॉफ्ट आप देख रहे हैं ना इसका डो है, उस तरह का ही डो रखना है ताकि हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल फटे नहीं और एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पे मैं हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा बेल लूँगी और फिर इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। फिलिंग आप किसी तरह से भी भर सकते हैं, आप जैसे भरते हो, मैं जैसे भरती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये फिलिंग ले लिया है मैंने, और अच्छे से फिलिंग डालेंगे ताकि खाने में मज़ा आए अच्छे से कचौड़ी। तो इस तरह से देखिए कितना सॉफ्ट आटा है, कितना ईजिली हम इसको फिल कर पा रहे हैं। तो एकदम इतना सॉफ्ट डो रहेगा तो हमारी कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो देखिए एकदम, और अगर एक्स्ट्रा डो है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो उसी के अंदर रख डाल दीजिए, दबा दीजिए, तो भी अच्छे से हो जाएगा एकदम परफेक्ट। और इसको बस हमें हल्के हाथों से थोड़ा सा ऑयल लगा के, और आप चाहे तो वो भी आटा भी लगा सकते हैं, पर मेरे को पसंद नहीं है तो मैं ऑयल से ही इसको बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कितना परफेक्ट बना है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियों को रेडी कर लेंगे, फिर हम आपको तल के दिखाएंगे आपको। तो आप इस तरह से कचौड़ी एकदम, आपको लगेगा ही नहीं कि ये गेहूं के आटे की कचौड़ियां हैं जो कि इतनी टेस्टी बनी है, और बिल्कुल आपको बाज़ार से भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो मैं दोबारा आपको फिल करके दिखा रही हूँ। इस तरह का ही आप करेंगे तो बहुत परफेक्ट आपकी कचौड़ी बनेगी। तो देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम इजी तरीके से फिल हो जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसको भी कर लिया, इसको भी बेल के रख लूँगी और फिर इसी तरह से कैसे इसमें सारे कचौड़ी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा भी बना के आपको दिखाती हूँ, बड़ी कचौड़ी।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा लोई लिया है और उसके बाद इसके अंदर फिल कर दिया है, और प्रोसेस सेम है भरने का, और इसी तरह से हमने भर दिया है। और ये कचौड़ी थोड़ी बड़ी बनेगी, जैसे मार्केट में होती है ना, उस टाइप से थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये। तो देखिए ये भी हो गई है, और एक्स्ट्रा डो आप उस तरह से दबा दीजिए और फिर इसको बेल लीजिए। तो बस इसी तरह से हमें कर लेना है अपनी सभी कचौड़ियों को रेडी। तो इसको बेल के मैं आपको दिखा देती हूँ एकदम हल्के हाथों से, कितना बड़ा रखना है और आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए ये भी मैंने कर लिया, ये थोड़ी बड़ी बनेंगी क्योंकि मैंने इसके लिए थोड़ा बड़ा लिया है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था और मैंने यहाँ पे कचौड़ियाँ डाल दी हैं। तो एक साइड से होने के बाद हम इसको पलट लेंगे, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई हैं। और इसको हमें एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम हाई पे करेंगे तो अच्छा क्रिस्पी नहीं होगा, तो हम इसको लो पे करेंगे तो ही अच्छा क्रिस्पी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कचौड़ी रेडी हो गई है और एकदम परफेक्ट रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और क्रिस्पी और कितनी सॉफ्ट बनी है, और एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे इसको। इस आलू कचौड़ी को आप कभी भी बना के खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, और इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और तो आप ज़रूर इस रेसिपी से, आप गेहूं के आटे से ही एकदम परफेक्ट कचौड़ी बनाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी कचौड़ी कैसी बनी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं डालूँ कोई भी न्यू रेसिपी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।